माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज क्लस्टर डेवलपमेंट जो प्रोग्राम है और पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग क्लस्टर का मतलब 20 more than 25 इंडस्ट्रीज विद इन 5 किलोमीटर की स्पान में अगर हैं तो वो अपनी इंडस्ट्री अपने एसोसिएशन को रजिस्टर कराएं और रजिस्टर कराने के बाद वो अगर उनको किसी तरह की अगर कॉमन फैसिलिटी सेंटर की आवश्यकता है जैसा भी चर्चा कर रहे हैं कभी 1 जुलाई से जैसा कि लेदर में अभी BSI इम्पोर्टेंट होने जा रहा है तो ये लोग कॉमन फैसिलिटी सेंटर ओपन कर सकते हैं। उसके लिए 90% जो फंडिंग है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है और 10% मात्र जो है वो फंडिंग दैट इज प्रोवाइडेड बाय द जो हमारी इंडस्ट्री एसोसिएशन है वो प्रोवाइड करती है। तो ये बहुत सारी इम्पोर्टेंट इश्यू। इसके बाद साथ ही हम लोगों ने साथ इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी एक इंडस्ट्रियल के तौर पर सोशल वर्कर के तौर पर संदेश उनसे अनुरोध लेने के लिए मौजूद है दिल्ली से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और अलावा इसके विदेश और संस्कृति राज्य मंत्री भारत सरकार आपका बहुत बहुत अभिनंदन बहुत बहुत स्वागत जोरदार तालियों के साथ एक बार फिर थोड़ा सहायता पूरा सदन अभिनंदन करें माननीय मीनाक्षी लेखी जी हमारे बीच मौजूद केंद्रीय विदेश और संस्कृति राज्य मंत्री इसके अलावा दिल्ली से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सांसद के तौर पर हमारे बीच आपकी उपस्थिति बेहद प्रार्थनीय है और हम बेहद अनुग्रह बहुत बहुत धन्यवाद आभार। अरे पीछे आ जाओ मैं प्रमाण हूं ट्राई कर फायदा क्या है कृपया ओके के साथ शॉल के साथ माननीय मीनाक्षी लेखी जी का अभिनंदन। अरे आगे मत आइए तो बीच में जगह छोड़ दीजिए फिर आगे रख दूंगा फिर नहीं हटाऊंगा मैडम गौरव का मौका अरे दीदी नमस्ते अरे मैडम तो हटे मैडम को हटाओ तू मंत्री का पिए आगे बताना तो अरे तनु दीदी अरे मैम नीचे जाइए नीचे अरे उसके आज ये समापन सत्र में आपके आने से हमारे पूरे कॉन्क्लेव को चार चांद लग गए उसकी शोभा बढ़ गई और एक ऐसे जो यहाँ पर जितने भी हमारे जो भी हमने बिंदु इकट्ठे करे हैं उनको हमने जो संकलन कराया उनका उनको हम आपको देंगे और उनको जो हमारी बातें लखनऊ और दिल्ली पहुँचे और आगरा का विकास इतना ज़्यादा तेजी से हो कि जैसे माननीय मोदी जी वंदे भारत ट्रेन चला रहे हैं जिस स्पीड से तो हम चाहते हैं कि आपके निर्देशन में आपकी अध्यक्षता में हमारे आगरा का उसी वंदे भारत की स्पीड से हमारा भी विकास हो और आगरा पर्यटन के साथ औद्योगिक नगरी के रूप में स्थापित हो। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। हम स्वागत करना चाहेंगे माननीय योगेंद्र उपाध्याय जी का जिन्होंने अपने भरसक प्रयास और अनुभवों से आगरा को पूरे विकास के पथ पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने कार्यक्रम में। आप सब लोग आज मोदी जी ने मन की बात कही थी उस कार्यक्रम में भी आप लोग व्यस्त थे फिर भी आप सब लोगों ने समय देकर यहाँ पधारे आपका बहुत बहुत धन्यवाद आभार आप बहुत बहुत साधुवाद और अब हम चाहेंगे ये सत्र आगे बढ़े और जो भी हमारे कॉन्क्लेव में बातें हुई हैं जो भी हमने अपनी बातें संकलन की है से अपने निवेदन कृपया वो आए और इस पूरे कार्यक्रम की प्रस्तावना हमारे बीच रखें। धन्यवाद कर्मा जी अति सम्मानित मंच सम्मानित सभागार आज 3 दिवसीय इस आयोजन का इंडियन इंडस्ट्री ट्रेड कॉन्क्लेव पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर भारतीय उद्योग और व्यापार सम्मेलन के इस 3 दिवसीय आयोजन किया जाए अंतिम सत्र में मैं आप सभी का हृदय से स्वागत अभिनंदन और वंदन करता हूं। आपको बताना चाहता हूं कि 3 दिन के दौरान
आगरा में लगभग जिन्होंने अपनी तीन तीन जनरेशन खपा दी हैं इस पूरे बिजनेस को बनाने में और उस लेवल तक पहुंचने में। तो जो पहला नाम है वो श्री विनोद कुमार अग्रवाल जी। श्री विनोद कुमार अग्रवाल जी सुमंगलम, प्लीज लाइक टाइम सीजन वॉक। हम चाहेंगे कि विनोद कुमार अग्रवाल जी आए। आगे मत आने देना भैया, आगे मत आइए। योगेंद्र उपाध्याय जी उनसे मेरा अनुरोध, कृपया आप आगे आए। विमला दिवाकर जी आपसे भी अनुरोध कि आप मंच पर आगे आए। आगे मत आना भैया। अरे भाई साहब इधर ही आएंगे, सामने दिखवाएंगे, रुक जाओ। बड़ा अवार्ड, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। दोस्तों अगला नाम जो है वो स्वर्गीय श्री महेंद्र सिंगल जी का नाम है, जिसको रिसीव करेंगे पीयूष जी मनीष जी। बेसिकली कैलाश नाथन संस, कैलाश नाथन संस मनीष जी पीयूष जी अपनी पूरी लाइफ तीन तीन जनरेशन की डिकोर में डेली और इसीलिए नेशनली ये नाम जाने जाते हैं। अगला नाम मैं लेना चाहूंगा भाई मनीष जी आगे आइए। मनीष जी पीयूष जी आगे आइए। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड श्री महेंद्र सिंगल जी का कैलाश नगर। सुधीर शर्मा जी, सुधीर बैंड, बगैर बैंड बाजा के तो कोई शादी कंप्लीट नहीं है। मैं चाहूँगा आपको एक एक्सेलेंस अवार्ड भी है, आप वो भी लीजिए। आपके बिजनेस को हमने बहुत अच्छा काम किया है। सुधीर बैंक से श्री सुधीर शर्मा जी प्लीज आगे हैं। उत्तर प्रदेश उद्योग
व्यापार प्रतिनिधिमंडल, गोविंदा हाउसिंग, लघु उद्योग भारती, लघु उद्योग भारती से विजय गुप्ता जी, मनीष भैया ये ग्रुप फोटो, बड़े भाई मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक तो वो मेरे बड़े भाई सबके साथ पड़े हैं और दूसरा जिस मुकाम पर मैं खड़ा हूं उस मुकाम की शुरुआत इन्होंने ही कराई थी मुझे विद्यार्थी परिषद का सदस्य बनाकर, इसीलिए मैं इनके चरण स्पर्श करता हूं यहां मिलते हैं क्योंकि एक राजनीतिक गुरु भी हैं और मेरे बड़े भाई भी हैं। तो ऐसे पूरन रावत जी, आगरा भाजपा महानगर के अध्यक्ष भानु जी, सम्मानित मंच, उपस्थित मातृशक्ति बंधु, इस मंच के तीन विषय घालमेल हो गए हैं। एक तो लिखाई है कि भारतीय उद्योग और व्यापार का पुरातन क्या लिखा, पुरातन वर्तमान और भविष्य, दूसरा नारी शक्ति और तीसरा सरकार क्या कर सकती है आगरा के उद्योगों के लिए। आप लोगों ने तीन दिन से मंथन किया जैसा बताया भी, और कोई भी मंथन किया जाता है तो उसके लिए अध्ययन किया होगा, मनन किया होगा, चिंतन किया होगा, तब मंथन हुआ है। और जब भी कोई मंथन होता है उसे अमृत निकलता है तो उस अमृत का वितरण भी होना चाहिए। अमृत महोत्सव है ये। मित्रों, मैं सब विषयों पर ना बोलकर कुछ विषय पर बोलूंगा क्योंकि हमारी नेता मीनाक्षी यहां पर हैं, कुशल वक्ता भी हैं, कुशल अधिवक्ता भी हैं, तो उनके मार्गदर्शन को हम लोग सुनना चाहेंगे। फिर भी ये निश्चित है कि बिना उद्योग के कोई देश बढ़ नहीं सकता। आर्थिक ऋण पूरे किसी भी राष्ट्र की बेस होता है और पिछले दिनों जब से मोदी जी आए हैं हमारा देश उस ब्रिटेन को पछाड़कर जिसने कभी हम पे हुकूमत की थी पांचवें नंबर की आर्थिक अर्थव्यवस्था की श्रेणी में आ चुका है। आप सबका सहयोग होगा और जो मातृशक्ति को यहां पर उसमें समावेशित करने का प्रयास हुआ है ये सब मिलकर जुटेंगे। संबोधन होगा महापौर जी का, उसके बाद हमारे बीच उपस्थित है माननीय केंद्रीय मंत्री भारत सरकार मीनाक्षी लेखी जी, हम सब उनका उद्बोधन सुनना चाहते हैं जी। आप संक्षिप्त बोलें और सब लोग अपने ही हैं, कोई को किसी समय सीमा में बाधो बेहतर जी। हां यस नेता जी, अगर आपको आपत्ति ना हो जी, 1 मिनट में मैं बोलकर लिखूंगी और आप वही कंफर्टेबल। आई आई प्लीज प्लीज आइए जी से, मनीष जी से किस्मत ही चल भेंट किया जाए भाई साहब, आगे मत आना। और जिसको ये स्मृति चिन्ह भेंट किया जा रहा हो, मैं चाहूंगी पूरा सदन एक बार पूरी पुरजोर तालियों के साथ स्वागत और सम्मान में जुड़े।
फोन लाइव लोकेशन मंगा लें। आपके मार्गदर्शन के लिए, आपके उद्बोधन के लिए।